एक ऐसा ट्रिक है आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि एक ही ऐप से दो व्हाट्सएप यानी कि चला सकते हैं। दोस्तों बहुत दिनों के बाद आज फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल टॉप वन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि आप अपने व्हाट्सएप ऐप से यानी कि एक ही व्हाट्सएप ऐप से दो व्हाट्सएप अकाउंट कैसे चलाए यानी कि दो नंबर से आप व्हाट्सएप अकाउंट कैसे चला सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में सारा जानकारी आप लोग को देंगे। दोस्तों दो व्हाट्सएप चलाने के लिए आप लोग क्या करते होंगे, या तो व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड करते होंगे या नहीं तो जीबी व्हाट्सएप का भी यूज करते होंगे। दोस्तों यानी कि एक ऐसा ट्रिक है आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि एक ही ऐप से दो व्हाट्सएप यानी कि चला सकते हैं, यानी कि एक ऐप से दो नंबर से आप व्हाट्सएप चला सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में सारा जानकारी आप लोग को देंगे। दोस्तों मेरा नाम है अंकित सागर। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल टॉप वन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो जब भी अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए ये वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलते सीधा हम लोग मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं यहाँ सीधा अपने मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों हम लोग यहाँ से एक ही व्हाट्सअप ऐप से दो अकाउंट बनाने के लिए सीखेंगे। दोस्तों यानी कि सबसे पहले यहाँ से आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल की व्हाट्सअप ऐप को ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ से व्हाट्सअप ऐप को ओपन कर लेंगे। दोस्तों व्हाट्सअप ऐप को ओपन करने पर दोस्तों अब यहाँ से आप लोग बोलिएगा कि यहाँ से हम कैसे यानी कि दो अकाउंट चला सकते हैं। यहाँ तो हम सिर्फ एक ही अकाउंट यानी शो कर रहे हैं। दोस्तों नहीं, दोस्तों यहाँ से हम एक ऐसा ट्रिक आज हम बताएंगे कि उस ट्रिक को जो आप लोग फॉलो करते हैं तो आप भी अपने एक ही व्हाट्सअप ऐप से दो दो अकाउंट चला सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यहाँ जो थ्री डॉट का ऑप्शन सिंपल हम उस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने पर दोस्तों यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन आप लोग को दिया जाता है, जो यहाँ सेटिंग का एक ऑप्शन दे रहा है। दोस्तों सिंपली हम उस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस देखने को आप लोग को मिलता है। अब यहाँ से दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना होगा, यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन आप लोग को दिया जाता है। दोस्तों जो यहाँ अकाउंट का जो ऑप्शन है सिंपली हम उस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप लोग बोलिएगा कि अब यहाँ या हमको क्या करना होगा। तो यहाँ दोस्तों जो लास्ट से सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन है कि ऐड अकाउंट, दोस्तों सिंपली उस पर आप लोग को क्लिक कर देना होगा। तो हम यहाँ से क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस देखने को आप लोग को मिलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से एक ऑप्शन देगा कि ऐड अकाउंट, दोस्तों सिंपली उस पर आप लोग को क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यानी कि कुछ सेकंड तक आपको वेट करना होगा। उसके बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस देखने को आप लोग को मिलता है। अब यहाँ से दोस्तों एग्री एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन सिंपली हम उस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यानी कि जो भी सेकंड नंबर से आप व्हाट्सएप अकाउंट बनाना चाहते हैं वो नंबर यहां पे टाइप कर लीजिए। तो हम यहां से वो नंबर टाइप कर लेते हैं। तो दोस्तों नंबर टाइप करने पर यहाँ से नेक्स्ट का एक ऑप्शन सिंपली हम उस पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां से कुछ सेकंड फिर से आपको वेट करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से इस तरह का इंटरफेस देखने को आप लोग को मिलता है। एक ऑप्शन है कि एडिट, एक ऑप्शन है यस। तो दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट यानी कि यस पे का जो ऑप्शन सिंपली हम उस पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस देखने को आप लोग को मिलता है, यानी कि जो नंबर यहाँ पे आप डालें वो नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। दोस्तों तो हम यानी कि वो ओटीपी हम डाल लेते हैं, यानी कि दूसरा यानी कि सेकेंड मोबाइल में यानी कि ओटीपी मेरा गया था, यहाँ से हम वो ओटीपी डाल लेते हैं पहले। दोस्तों ओटीपी डालने पर दोस्तों यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से मेरा यानी कि अकाउंट वेरीफाई हो रहा है। दोस्तों यहाँ से कुछ सेकंड फिर से आपको वेट करना। वेट करने पर दोस्तों इस तरह का इंटरफेस देखने को आप लोगों को मिलता है। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, कुछ सेकंड फिर से आपको वेट करना होगा और क्या। तो यहाँ से आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ से नाम लिख लेते हैं कि अंकित सागर यानी कि टू, अंकित सागर टू। दोस्तों यहाँ से आप फोटो लगाना चाहते हैं तो फोटो भी लगा सकते हैं। आप लोग को हम सिर्फ बता रहे कि इस तरह से आप सेकंड यानी कि अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद या नेक्स्ट का ऑप्शन सिंपली हम उस पर क्लिक कर लिए। दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से कुछ सेकंड फिर से आपको वेट करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मेरा व्हाट्सअप अकाउंट यानी कि सेकेंड व्हाट्सअप अकाउंट बन गया। दोस्तों अब यहाँ से बोलिएगा कि ये तुम यानी कि सेकेंड व्हाट्सअप अकाउंट है, फर्स्ट व्हाट्सअप अकाउंट मेरा तो डिलीट हो गया। जी नहीं दोस्तों, दोस्तों फर्स्ट व्हाट्सअप अकाउंट यानी कि लॉग इन करना चाहते हैं तो थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ से जो स्विच अकाउंट है तो दोस्तों स्विच अकाउंट पर क्लिक करके यानी कि फर्स्ट अकाउंट यानी कि वो आपका ओपन हो जाएगा। दोस्तों मेरा फर्स्ट व्हाट्सएप अकाउंट यानी कि ओपन हो गया, यानी कि ये है पहला। और दूसरा लॉगिन करना चाहते हैं तो स्विच अकाउंट पर जो ऑप्शन है उस पर हम यानी कि क्लिक कर देंगे। दोस्तों यानी कि सेकंड भी यानी कि व्हाट्सएप अकाउंट मेरा ओपन हो गया। दोस्तों इस तरह से एक ही व्हाट्सएप ऐप में दो व्हाट्सएप अकाउंट चला सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके बताइएगा। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल टॉप वन को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो जब भी अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे नए वीडियो के साथ कुछ अंदाज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।